Well, we are beginning this segment with the tragic news from the north, and this is about the rain updates that we have been constantly getting. As heavy rains continue to batter northern India, Himachal Pradesh remains one of the worst hit. In a statement issued by the Himachal Pradesh state authorities, a monetary loss of Rs 785.51 crore was reported. The death toll in the state has reached 72, while 8 people are missing and 92 have been injured. 39 landslide incidents have been reported, along with one cloudburst and 29 flash floods. Landslide and flooding events claimed many lives, and NDRF personnel are currently conducting search and rescue missions to help the stranded. Houses along the Bias River in the Mandi district have been evacuated as the result of the rising water level caused by incessant rainfall. IMD had placed Himachal Pradesh on the high level of red warning on Monday, but now it has downgraded it to an orange alert for today. पिछले रात से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है, पेयजल की समस्या पैदा हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है, उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है, और जैसे ही बारिश रुकती है मेरा ये मानना है कि हम उन्हें युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों को कार्यों को पूरा करें। अब जो हमारे लोग पर्यटक फंसे हैं, उन पर्यटकों को पर हमारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई, तो सब लोगों से हमारी बातचीत कहा कि इस विपदा के समय हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश के प्रधानगरी मनाली से कुल्लू जिला में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जो है ब्यास नदी ने यहाँ पर जो रौद्र रूप जो धारण कर लिया है। मैं इसमें की सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहिए, देखिए ब्यास नदी की यह तस्वीरें हैं, किस तरह जो यहाँ पर ब्यास नदी ने जो रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और बाढ़ से हालात यहाँ पर जो बन चुके हैं, जिसके कारण जो भारी तबाही यहाँ पर हुई। हम इसमें खड़े हैं रामशिलम जो हनुमान मंदिर है और वहां पे खड़े और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह जो है बाढ़ का पानी जो है मंदिर में यहाँ पर आ चुका और जब पूरा मंदिर जो इसकी चपेट में आ चुका, जो भी सामान यहाँ पे था वो भी जो ब्यास नदी अपने साथ जो यहाँ से बहा के ले गई है। तो अगर मैं बात करूं अब तक की, तो संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति जो है ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर चढ़ चुकी है। मनाली से कुल्लू तक की अगर मैं बात करूं तो कई सारे होटल मकान वाहन दुकान जो है इस ब्यास नदी की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ ही अभी तक जो जानी नुकसान है, फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक महिला की जो है मलबे में दबने के कारण जो एक आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है, हालांकि अभी ये नहीं कहा जाता कि कितने और लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है, वो अभी यहाँ पर नहीं कहा जाता क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन संपत्ति को जो भारी नुकसान हुआ है, मनाली से कुल्लू के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, कई स्थानों पर जो पूरा का पूरा मार्ग जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जो रात की खबर है कि जो आलू ग्राउंड में जो 27 से 28 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें जो प्रशासन द्वारा वहां से जो है सुरक्षित वहां से जो है रेस्क्यू कर दिया गया है, हालांकि हालात अभी भी जो खराब बने हुए क्योंकि बारिश अभी भी जो लगातार यहाँ पे हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते कितनी ज्यादा बाढ़ जो है इसमें ब्यास नदी में आई हुई है। पहाड़ों में तेज होती बारिश की वजह से छोटी काशी यानी कि मंडी इस वक्त पानी से लबालब डूबी नजर आ रही है और पंडोर डैम के खोल देने के बाद व्यास नदी आप देखेंगे तो अपने उफान पर है। ये प्रचंड वेग कर देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तबाही इस प्रचंड वेग ने मचाई होगी और ये लहरें कुछ भी अपनी जद में ले लेने के लिए आमादा है। और इन लहरों के ठीक बगल में अगर आप ये देखेंगे, ये पंचवक्त मंदिर है और ये पंचवक्त मंदिर दरअसल कल तक लगभग आधा डूबा हुआ था और आज क्योंकि पानी उतर गया है, ऐसे में कम से कम इसका ये जो प्लेटफॉर्म है इसका चबूतरा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर वो जो लाल रंग में आप देख रहे हैं वो दरअसल शमशान है और शमशान कल पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर बरसात हो रही है और बरसात की वजह से पानी लगातार भरता चला जा रहा है डैम में, ऐसे में माना यह जा रहा है कि पंडोह डैम के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि कल जब चार गेट पंडोह डैम के खोले गए थे तो तबाही भीषण आई थी। और ये जो पानी आप यहां देख रहे हैं तेज वेग के साथ बह रहा है, दरअसल ये जो पानी है ये यहीं तक सीमित नहीं था, ये पानी उतर गया है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो पूरा इलाका, ये कटान आप देख रहे हैं, ये पानी बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आता चला गया। और आपको दिखाते चले कि ये पानी यहां से होता हुआ, ये जो कटान आप देख रहे हैं दरअसल, ये देखिए ये जो कटान और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं कि यहां से होता हुआ पानी ऊपर पहुंचा और ऊपर कहां पे, ये आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान मंदिर भी पूरी तरीके से डूबा नजर आया था कल, लेकिन आज क्योंकि पानी उतर चुका है थोड़ा सा इसलिए स्थिति थोड़ी सी सामान्य दिखाई दे रही है।
जी हाँ, देखिए अगर मैं अभी की बात करूं तो जिस तरह जो है 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और जो बारिश लगातार जारी है, देखिए तस्वीरों में ब्यास नदी किस तरह जो यहाँ पर जो रुद्र रूप यहाँ पर ले चुकी है और देखिए जिस तरह घाटी में लगातार बारिश हो रही है, इससे जो है ब्यास नदी पूरे उफान पे आ चुकी है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि इस बाढ़ के कारण जो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो, संपत्ति को खासकर काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि मनाली से कुल्लू के मध्य जो है नेशनल हाईवे 3 काफी जगह पर जो है बाधित हो चुका है, जिसके कारण जो पूर्ण आवाजाही जो वाहनों की बाधित यहां पर हो चुकी है और उसके साथ ही कई होटल दुकानें और वाहन भी जो इस ब्यास नदी की चपेट में आ चुके और इस ब्यास नदी में वो बह चुके हैं। इससे पहले हमने कभी भी इस तरह जो इतना रुद्र रूप जो ब्यास नदी का नहीं देखा था। ये 1995 की जो जब बाढ़ कुल्लू जिले में आई थी उसके बाद ये जो आज 2023 में ये बाढ़ आई है और ये कहा जा रहा है कि ये बाढ़ जो है उससे भी भयंकर ये बाढ़ है। और अभी भी देखिए 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, पानी अभी भी जो ब्यास नदी में बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होने का जो नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो अभी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है कि जो कुल्लू जिला का जो भुंतर है वहां पर जो कुछ होटल जो है ब्यास नदी की चपेट में आ चुके हैं और वहां पर जो है कुछ होटल ब्यास नदी में बह चुके हैं, कुछ दुकानें भी वहां पर जो बह चुकी है। अभी की जो ताजा खबर वहां से आ रही है कि ब्यास नदी के ने वहां पर जो भुंतर में जो काफी तबाही मचा दी और होटल वहां पे जो है उसने बह चुका है और इसके साथ ही मनाली में भी जो है बीते कल शाम को जो काफी बाढ़ वहां पे आई थी जिसके कारण जो है काफी सारे होटल वहां पर भी जो बह चुके थे। अभी भी स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम इवैक्यूएशंस कर दिए हैं, जो घर नदी के किनारे बसे हुए हैं वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। अभी भी हम एक घंटा पहले हमारे एसडीओ साहब के साथ हम करीब 80 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल नदी के पास है और जहाँ पर जानमाल का बहुत अधिक खतरा है, उनको सेफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है।